ड्राइविंग करने वालों के साथ एक बड़ी उलझन हमेशा रहती है कि वो गाड़ी के कागज और ड्राइविंग लाइसेंस को हिफाजत के साथ अपने पास रखें और चेकिंग के दौरान मांगे जाने पर दिखाएं। मगर ड्राइविंग करने वालों के लिए अच्छी खबर है। खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने एक पहल की है जिसके चलते अब आपको यात्रा के दौरान अपने पास हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं रखना होगा। अब कागजनुमा दस्तावेज की जगह एक ऐप काम कर जाएगा। जब भी दस्तावेज दिखाने की जरूरत पड़ेगी तो आप सिर्फ इस ऐप के जरिए वाहन संबंधी जानकारी ट्रैफिक पुलिस को दिखा दें। इसके लिए आपको छोटी सी कोशिश करनी होगी। आपको केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए डिजी लॉकर या फिर परिवहन मंत्रालय के एम परिवहन प्लेटफॉर्म पर अपनी डिटेल्स अपडेट करानी होगी। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण सर्टिफिकेट को साथ रखने की अनिवार्यता को खत्म करते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को भी ये सलाह जारी की है कि वो इस प्रकार के सभी दस्तावेजों को डिजी लॉकर या एम परिवहन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पेश किए जाने की तैयारी करें। सरकार ने इसके लिए एक वेबसाइट digilocker.gov.in बनाई है। इस वेबसाइट से आप डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अपना डिजी लॉकर अकाउंट खोल सकते हैं। इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, फिर वन टाइम पासवर्ड यानी OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा जिसके जरिए आपके मोबाइल नंबर को ऑथेंटिकेट कर आगे की कार्यवाही के लिए कहा जाएगा। मसलन यूजर नेम और पासवर्ड सेलेक्ट करना होगा और फाइनली अपना डिजी लॉकर अकाउंट बनने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर की अन्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आप अपना आधार नंबर भी दे सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को कहा है कि आधिकारिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी किए गए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज ड्राइविंग परिवहन प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के बराबर माना जाएगा। मंत्रालय का ये भी कहना है कि किसी अपराध के माध्यम से ऐसे दस्तावेजों को भौतिक रूप से जब्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कानून प्रवर्तन एजेंसियां ई चालान प्रणाली के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जब्त कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में दिखेगा। ड्राइविंग करने वाले खुश हैं। NDI पॉकेट TV के लिए रचना मिश्रा की रिपोर्ट। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।